के साथ। मंगलवार को वाराणसी के कचहरी परिसर में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में ताज मोहम्मद एडवोकेट को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी प्रांत का सह संयोजक नियुक्त किए जाने पर अंगवस्त्रम और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। ताज मोहम्मद एडवोकेट को संयोजक का दायित्व आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार की स्तुति पर प्रदान किया गया है। इस दौरान ताज मोहम्मद ने मुस्लिम समाज के लोगों की समस्या का सरकार तक पहुंचाने का तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मुस्लिम समाज तक पहुँचाने की बात कही। हमारे सहयोगी ताज मोहम्मद एडवोकेट जिन्हें सम्मान्य माननीय इंद्रेश कुमार जी द्वारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी प्रांत का सह संयोजक नियुक्त किया गया है, उन्हीं का सम्मान चैम्बर नंबर 36 में तमाम अधिवक्ताओं के बीच में किया गया है। और मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार माननीय इंद्रेश कुमार जी द्वारा इनके ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए इनको दायित्व तो सौंपा गया है, इसके उत्तर विकास में ये सकारात्मक पहल करते रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय इंद्रेश जी, उन्हीं के दिशा निर्देश पर मुझे काशी प्रांत का सह संयोजक नियुक्त किया गया है, यह दायित्व मुझे दिया गया है। यहाँ हमारे गुरु हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी और उनकी टीम है, बड़े भाई हमारे प्रमोद पाठक जी हैं, अनिल पांडे जी हैं, ये पूर्व अध्यक्ष लोग रहे हैं और वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय अशोक उपाध्याय जी हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के, ये सारे लोगों की उपस्थिति में गरिमा में उपस्थिति में आज ये हमारा स्वागत किया गया है। सच के साथ।